हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण मृदंग बजा लो। ठीक है थोड़ी सी हम कथा करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसति गौर भक्त वृंद कृष्ण हरि हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 हरी बोल 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 हरी बोल
मैं ज्ञानति राम दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधाकांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुर अनुराग सिंधु वात्सल्य सिंधुर अतिसांद्र कृपाई का सिंधु करुणा सिंधु अमृत रस केल सिंधु श्री राधिके स्फुर तुमे हृदय केल सिंधु वृंदाई तुलसी देवी प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री 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 मधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम आग्रह सांग्रह हरे कृष्णा। हम लोग गत कल्य श्रवण कर रहे थे जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने जगाई माधाई को उद्धार किया। इसको देख करके जब महाराज भी बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। बोले क्यों कारण क्या? बोले कारण है कहते ये दोनों ने इतने पाप किया था। कहते चित्रगुप्त लिखते 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 पूरा घर भर गया था, हैं तालपत्र में लिखते लिखते पूरा घर भर गया था। इसलिए चित्रगुप्त सोचता था ही भगवान इनको कितने काल के लिए इनको नरक भोगना पड़ेगा, कैसे भोग करेंगे, इतना पाप कोई कर सकता है कभी? आश्चर्य होते थे। लेकिन महाप्रभु ने एक बात पर उनको सब कुछ उन्होंने उनके अपराध को त्याग कर दिया। कौन सा बात पर? कौन सा बात पर सब अपराध त्याग कर दिया? शरणागति है। बोले आर यदि ना करे से शब्दाय बोल, मतलब अगर आज से कोई अगर तुम पाप नहीं करोगे तो कहते सारे पाप को मैं ग्रहण कर लेता हूँ, सारे पाप को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। अगर आज से कोई पाप अगर तुम नहीं करोगे तो एक बात पर दूसरी बात किया। उन्होंने तो पाप किया है बहुत है, लेकिन उन्होंने अपराध नहीं किया, वैष्णव अपराध नहीं किया, इसलिए महाप्रभु उनको सारे अपराध को उन्होंने माफ कर दिया है। लेकिन महाप्रभु जब उनको माफ कर दिया, इसलिए जब श्री जब महाराज ने ये बात को सुना, बोले हे भगवान इतने सारे पाप को नष्ट कैसे कर दिया? यहाँ पर कह रहे हैं हाँ, जब महाराज कह रहे हैं बोले कभो नहीं देखी जम एमत महिमा पात की उधार जत यही तार सीमा। इसका मतलब कह रहे हैं यद्यपि भगवान ने बड़े बड़े अपराधियों को अपराध को माफ किया है, भगवान ने किया, राम अवतार में भी किया, कृष्ण अवतार में भी किया, उन्होंने भगवान ने अपराधी को पाप किया है, लेकिन यह वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जितने भगवान हुए अभी तक और उन्होंने जितने अपराध को कोई माफ किया, लेकिन महाप्रभु जैसे हाँ दयाल कोई नहीं होगा, इतने पाप को कोई मुक्त कर सकता है? कहते ये कहते
जमन नहीं देखी, जत तो पातो की अच्छे जत तो यही तार सीमा, सीमा मतलब होता है और इतना पाप कोई कर नहीं सकता और इतने पाप को कोई माफ कर ही नहीं सकते, कोई नहीं माफ कर सकते। इसलिए देखो श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार में हैं, जैसे सब विदेशी लोग आते हैं, विदेश लोग जो गोमांस खाने वाले हैं, गोमांस खाने वाले ऐसे, और ड्रग्स लेने वाले, और कोई चैत्र की कोई ठीक ठाक ना नहीं, कुछ ये नहीं हैं ऐसे। इसलिए लेकिन जब एक बार केवल महाप्रभु का भक्ति मार्ग में आ गए, सदगुरु का चरणाश्रय कर लिया, तिलक गला में कंठी धारण कर लिया, वो क्या कर रहे हैं, ठाकुर का सेवा पूजा कर रहे, भगवान के नाम कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर को भक्ति कर रहे, भजन कर रहे हैं। इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं, क्या कह रहे हैं, तो बोले ए मन गौरांग बिना नहीं यार हैं, हे न अवतार हवे की होए छे, हे न प्रेम प्रचार, बोले दुरह मति अति पति तपासंडी प्राणी न मारिल कार्य। कृष्ण अवतार राम अवतार थोड़ी सी अगर कोई किया ना कृष्ण, झट सुदर्शन चक्र उठा लिया उन्होंने, गला काट दिया उन्होंने। राम अवतार में उठाया धनुष, पूरा लंका समेत खत्म कर दिए। लेकिन उन लोगों ने किया था पाप, उन लोगों ने किया, लेकिन जगह ही मत है जैसे इतना बड़ा पाप उन्होंने किया, क्यों किया, साक्षात बलदेव प्रभु नित्यानंदपुर का सर को फोड़ दिए हैं, खून की धार बह रहा है, इधर महाप्रभु चक्र चक्र बोल करके उन्होंने चक्र को बुला रहे, और देखा सचमुच से सुदर्शन चक्र आ गया, हाँ चक्र आ गया, लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु, इतने दयालु, बोले प्रभु आप तो स्वयं बताए, एबे अस्त्र ना धरी वे प्राणिकारे ना मारी वे, आपने बताया ना इस अवतार में आप अस्त्र धारण नहीं करोगे, प्राण में किसको मारोगे नहीं, हरि नाम दिया हृदय सो दिल जाची गया घरे घरे, स्वयं भगवान भगवान, अभी तो कोई भगवान दरवाजा दरवाजा भिक्षा मांगे, कोई राम गए ना कृष्ण गए, कोई गए, लेकिन महाप्रभु गए घर घर में हैं, घर घर में जाकर के भिक्षा मांगा, किस चीज की भिक्षा मांगा, बोले बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, तुम सबके सब कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का भक्ति करो, कृष्ण का नाम जप करो, अभी कोई भगवान ऐसे नहीं हुए जो दरवाजा दरवाजा पर जाकर भिक्षा मांगे। इसलिए बोले चंडाले ब्राह्मणे करे कुला कुली कवेवा चिले रंग, देखो किसी अवतार में ऐसे हुआ है, ब्राह्मण को कितना मर्यादा दिया जाता, कितने मर्यादा है, अगर कोई चंडाल जाएगा अगर छाया स्पर्श हो गया ना, हो गया काम, लेकिन देखो इसी कली युग में चंडाल और ब्राह्मण करे कुला कुली है, दोनों आलिंगन करते हुए निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, कहते कभी ऐसे कोई अवतार देखे हो, कभी हुए ही नहीं। इसलिए कहते हैं दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन, ए मन दयाल तो नाही है माड़ खे प्रेम दे, अपराध दूरे जावे पावे प्रेमाधन। इसलिए कहते मेरा जो मन है नित्यानंद और महाप्रभु का नाम को लेकर नाच उठे है, नाच उठे, ए मन दयाल तो नहीं ये मार खे ये प्रेम दी। इसलिए कहते मेरे छी कलसी रखाना ताई बोली की प्रेम दे बना, भले ही तुमने कलसी मार करके सर फोड़ दिया, इसलिए क्या मैं तुमको प्रेम नहीं दूंगा, बस इतना ही बोल दो प्रभु, आज से और पाप हम नहीं करेंगे हैं। तो महाप्रभु ने सारे पाप को ले लिया और उन्हें दिखा दिया, बोले अद्वैत आचार्य क्या देख रहे हो, बोले प्रभु आज तो कन्हैया कन्हैया जैसे दिख रहे हो, आज तक काले हो गए हो जगन्नाथ जैसे काले हो गए हो। महाप्रभु क्या बोले, बोले प्रत्यक्ष में प्रमाण देता हूँ इनका सारे पाप को मैंने ग्रहण किया, इसलिए जगाई माधाई तुम दोगुने हरिनाम करो, हरिनाम करोगे तो तुम्हारे सारे पाप फिर धीरे 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 मैं जो काला हूँ फिर गोरा बन जाऊंगा। इसलिए जब उन्होंने सब मिल करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हरि नाम किया फिर महाप्रभु गौरव वर्ण हो गए, फिर महाप्रभु गौरव वर्ण हो गए। इसलिए इस चीज को देख करके जब महाराज क्या हुए, जबपुर में बेहोश हो गए, कि तो महाप्रभु का दयालुता देख करके जब बेहोश हो गए, सारे देवता लोग देख भैया जब महाराज का रथ क्यों रुक गया, आकर के देखा जब महाराज महाप्रभु की दयालुता को देख करके बेहोश हो गए, फिर जितने
हैं, सब शंकर ब्रह्मा जितने इंद्र चंद्र थे। फिर जब महाराज के कानों में भगवान का कीर्तन किया, जब उन्होंने हरि कीर्तन किया, धीरे 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 जब महाराज पर उन्होंने होश में आई और महाप्रभु की दयालुता को देख करके कहते यहाँ पर सबके सब जितने ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र सबके सब वहां पर नाच उठे और बोले सचिनंदन गौर हरि की, बोले शिवन नित्यानंद प्रभु की, इसलिए सबके सब वहां पर कीर्तन किए। बोले गौरांग बोली ते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोली ते ना ज्ञानी बाबनीरा, आर कपनी ताई चंदिर करुणा हरि बे, संसार वासना मोर कब तुच्छ। सब मिल करके महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कीर्तन किया। तब यहाँ पर कह रहे हैं बोले उषा काले गंगा स्नान करिया निर्जने, दुई लख्य कृष्ण नाम लय प्रतिदिन। अभी जगह मत है क्या कर रहे हैं, कहते सवेरे सवेरे उषा काल में जाकर के क्या करते हैं, निर्जन में एकांत में जाकर गंगा में स्नान करते हैं। स्नान करके दिन में दो दो लाख हरिनाम कर रहे हैं, है? 2 लाख अगर हम सोलमाला करते ना दिन भर लग जाता है, अगर 1 लाख करेंगे तो फिर तो हर दिन में 2 लाख, 2 लाख करने के लिए कितना कम, 6-6, 7-7 14 घंटा लग गया है। इसलिए 2-2 लाख हरिनाम करते हैं। अभी जगाई माधा ही अपना जो पूर्व पूर्व में जो उन्होंने पाप किया है, सब पाप को स्मरण करते, किसका घर जलाया, किसकी इज्जत लूटे, कहीं चोरी किए, कहीं उन्होंने उल्टा पुल्टा किए, अभी उसका स्मरण करते करते दोनों अभी क्रंदन करते हैं। और अभी पापी थे, पहले बोल रहे थे ना जगाई बात, ये हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु, आज जैसे ये मदिरा पान करके शरीर का उद्भूत नहीं, अगर एक दिन कृष्ण नाम रूपी मदिरा को पान करके अगर उनका ये अवस्था हो तब इनका जीवन सार्थकता है। सचमुच से नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कृपा से ऐसे उन्होंने भक्त बने, ऐसे भक्त बने। यहाँ वर्णना करते हैं कृष्णानंदे महाप्रभु का आनंद में खाना पीना भी भूल जाते थे, अपना भोजन भी भूल जाते थे। उस समय क्या होता था, महाप्रभु स्वयं आते थे, चैतन्य महाप्रभु आकर दोनों को भोजन कराते थे, बोले भोजन करो दोनों भोजन करो। और उसी समय में विशेष करके जगाई माधाई बोले प्रभु हम कितने अपराध, यहाँ प्रकृति माधाई नित्यानंद प्रभु का सर में उन्होंने कलसी मारे, सर फोड़ दिए, इसलिए विशेष करके जो माधाई है हर समय अनुताप कर रहे हैं, अनुताप करते हैं। कभी कभी उनकी अपराध को सोचते सोचते कभी बेहोश हो जाते थे, कहता हमने इतने अपराध किया है, इतना अपराध किया है। एक दिन श्री माधाई श्री नित्यानंद प्रभु के पास में आए और आ करके उन्होंने उनको चरणों को पकड़ कर रोने लग गए, हैं, कहते हे प्रभु मैंने बड़ा अपराध किया है, इसलिए अपना अश्रु से उन्होंने नित्यानंद प्रभु का चरण को उन्होंने अभिषेक किया। कहते अभिषेक करते हुए बोले विष्णु रूपे तुम्ही प्रभु करह पालन, तुम्ही से फणार धर अनंत भुवन। देखो यहाँ पर माधाई नित्यानंद प्रभु का महिमा को गा रही है, जो ऐसे जो मतवाला थे शराब पी करके सचमुच से अभी महाप्रभु का प्रेम नित्यानंद प्रभु में मतवाला होकर उनका हृदय में देखो क्या ज्ञान की स्फूर्ति हुई, क्या नित्यानंद प्रभु का महिमा यहाँ गा रहे, अद्भुत महिमा गा रहे। बोले प्रभु तुम विष्णु रूप में क्या करते हो, जगत को तुम पालन करते हो और ये अनंत है, अनंत रूप में ये विश्व ब्रह्मांड को अपना सर के ऊपर में एक सरिसा जैसे आप धारण करते हो, इसलिए कहते हैं कहते भक्ति का स्वरूप आप हो। बोले पार्वती प्रभु दिन पार्वत नारी लैया शंकर सण पूज शिव उपासक हो या, इसलिए स्वयं शंकर जी क्या कहते हैं, इसलिए कहते पार्वती प्रभु दिन नवारभुत नारी लैया, शंकर जी कितने अपना है नारियों को लेकर बोले शंकर सण पूज शिव उपासक हो या, इसलिए शंकर जी श्री शंकर सण जी का क्योंकि उनका गुरु है, इसलिए क्या करते हैं उनके चरणों को पूजन और वंदना करते हैं। हाँ कहा गया,
इसलिए संकर्षण पूजे से, इसलिए कहते हे प्रभु, कहते आप ही गरुड़ रूप में, भगवान की बहन कौन? गरुड़ जी है, भगवान पीठ पर बैठा कर ले जाते हैं। कहते वो कौन है? बोले आप ही हो, आप कहे के प्रकाश है, गरुड़ है, जो कि भगवान को आप अपना कंधे पर बैठा करके आप भगवान को ले जाते हो आप। और क्या कहते हैं? कहते अनंत मोह में अनंत भगवान की कथा, अनंत काल से अनंत भगवान की कथा गान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी प्रभु की जो लीला कथा को अभी तक भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं, खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कहते कहते आपने क्या किया? बोले लक्ष्मण अवतार में, जब अब लक्ष्मण बन करके आए धनुर्धर रूप में, कितने प्रभु की आपने सेवा किया है, 14 साल तक खाए नहीं, 14 साल तक सोए नहीं, 14 साल तक किसी स्त्री का अपने मुंह नहीं देखा, मतलब इतने कठोर साधन आपने किया है, हैं? कितना, और राम की कितना सेवा किया है। आप कौन हो? बोले रस के आचार्य आप हो, और आप क्या करते हो? बोले 10 भाव में भगवान की सेवा करते हो। इसलिए जितने सब ठाकुर जी की जो सेवा कौन करते हैं? श्री बलदेव प्रभु, उनका छत्र, उनका चामर, उनका पादुका, उनकी आवाहन, उनकी जन्हे, उनके वस्त्र, उनके अलंकार, उनके छत्र, मृदंग, मजीरा, ये जितने जो जो जो, जो कुछ देख रहे हैं, कौन है? ये बलदेव प्रभु का प्रकाश है अनंत रूप में। 10 देह में आप भगवान की सेवा करते हो। कहते हैं इसलिए कहते जितने सारे अवतार किससे आते हैं? नित्यानंद प्रभु से, सारे अवतार श्री नित्यानंद प्रभु से आते हैं। और आपने क्या किया? अपना पराक्रम को आपने उज्जैन में दिखाया है। उज्जैन में कहाँ पर? राम घाट में है, जब राम बलराम प्रभु रासलीला कर रहे थे, जब उनको गोपियों ने बलदेव प्रभु को बोले प्रभु प्यासा लग रहा है पानी पिलाओ, तो बलदेव प्रभु कालिंद को बोले बोले आओ हमारे सखियों को थोड़ा पानी पिला दो। बोले ये बुलाएंगे तो हमें जाना पड़ेगा, हैं? वो आई नहीं, कालिंद तो अपनी आप बहते हुए जा रही। बलदेव प्रभु बोले थोड़े ठीक है, हैं? मैंने बुलाया आ नहीं रहे। इतने बलदेव प्रभु ने क्या किया? हाल से मारे उन्होंने खींचे, हैं? इसलिए उस स्थान का नाम है एंचा दाऊ बोलते हैं बलदेव प्रभु। इसलिए उन्होंने ऐसे खींचे, फिर यमुना खींचते हुए उधर आ गए। इसलिए वहां पर उनकी पराक्रम वहां पर दिखाई पड़ता है। और कहते उन्होंने और क्या किया है? कहते रुद्र रूप में है, जैसे भगवान क्या करते? ब्रह्मा रूप में जगत को सृष्टि करते हैं, शंकर रूप में संहार करते हैं, और विष्णु रूप में जगत को ये पालन करते हैं। इसलिए कहते हैं ये रुद्र रूप में जो संहार करते हैं, रुद्र रूप में कौन संहार कर रहे? कहते श्री बलदेव प्रभु ही। कहते रुद्र रूप में आप संहार करते हो, कहते अनंत ब्रह्मांड को अपने सर को पर धारण करते हो, और भगवान की जो अनंत सज्जा है, हैं? अनंत सज्जा रूप में आप स्वयं भगवान को सेवा करते हो। और कहते ये सोना का सेवा कर, इसलिए कहते आपने क्या किया? ये द्विविध बंदर को भी आपने बध किया है। कहते जो द्विविध बंदर, कहते रामलीला में है, रामलीला में उन्होंने बहुत उन्होंने प्रभु राम की सेवा की, लेकिन राम को तो बहुत आदर करते थे, लेकिन लक्ष्मण को बोलते हैं इसमें कुछ नहीं है, हैं? इसमें कुछ नहीं, लेकिन राम की उन्होंने बड़ी सेवा की। लेकिन जब भगवान राम चले गए, फिर द्विविध बंदर रहा, फिर उन्होंने कृष्ण लीला में जब राम फिर कृष्ण रूप में आए, और श्री लक्ष्मण श्री बलदेव प्रभु रूप में आए, जब आए जिस समय श्री बलदेव प्रभु अपना महिषियों को लेकर के लीला कर रहे थे, इतने में ये द्विविध बंदर ने क्या किया? उन्हें असत संग से पढ़ करके एकदम भ्रष्ट हो गया, हैं? भ्रष्ट हो गया। और जब बलदेव प्रभु अपना महिषियों को लेकर विहार कर रहे थे, इसने तो बड़ी गंदी गंदी हरकत की, हैं? गंदी गंदी हरकत की देख देख करके। इतने में बलदेव प्रभु ने देखा जो कुछ होने पर कृष्ण सेवा था, राम का सेवा तो उसने किया, रामलीला बड़ी सेवा किया, इसलिए माफ कर रहे थे, लेकिन इतनी गंदी गंदी हरकत करने लगा, शुरू कर दिया। उनको पत्नियां स्त्रियां थी, इतने उल्टा नंगे होकर के उल्टा पुल्टा करने लगे। बलदेव प्रभु ने देखा तो बड़ा ज्यादा ही दुष्टम कर रहे हैं। इतने बलदेव प्रभु उठाया अपना हाल को, ऐसे मार कर पकड़े और खींचे, और जो मुसल से मारे सर के ऊपर में इसको छत्तु बना दिए, चकना शुरू कर दिए। इसलिए उसका नाम पड़ गया द्विविध। द्विविध मतलब क्या है?
कहते बीद मतलब होता है जानना, दो ही मतलब होता है दो। इसका मतलब है जैसे उन्होंने राम का तो बड़ी सेवा की लेकिन लक्ष्मण को उन्होंने आदर नहीं दिया, लक्ष्मण को उन्होंने गुरु तत्व को आदर नहीं दिया है, इसलिए कृष्ण का सेवा की लेकिन बलदेव प्रभु को उन्होंने अनादर की। दो बीद, दो माने दो, बीद माने जानना, मतलब है जो गुरु वर्ग को वा बलदेव प्रभु को कृष्ण से जो अलग समझते हैं, लक्ष्मण को राम से जो अलग समझते हैं, इसलिए बलदेव प्रभु ने क्या किया, उठाया हाल और पास खत्म कर दी है। इसलिए शास्त्र क्या, शास्त्र में क्या बोलता है, कहते गुरुपाद पद्म को ने बलदेव प्रभु साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्र ही रुक्तस्तथा भाप्यते सद्वी किंतु प्रभुर ज प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। इसलिए कहते गुरुदेव का साक्षात हरि हरि बताया गया, क्यों बोले अभिन्न है, भगवान से अभिन्न अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए आचार्य मान बिजानियात। इसलिए कृष्ण उद्धव को कहते हैं उद्धव आचार्य को तो मेरा ही स्वरूप समझना आचार्य को, इसलिए हरो रुष्टे गुरु स्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन। अगर कभी भगवान नाराज हो जाए तो क्या करते, गुरु उनको उधार कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरु जी नाराज हो गए भगवान उनको उधार नहीं कर सकते। इसलिए कहते इसलिए उनका नाम पड़ेगा द्वी पीत, मतलब जो गुरु वैष्णव से भगवान को जो अलग समझते हैं, वह बलदेव प्रभु को कृष्ण से जो अलग, लक्ष्मण को जो राम से अलग समझते हैं, भगवान को तो सेवा करते हैं आदर करते हैं लेकिन उनकी भक्तों को आदर नहीं करते। इसलिए कहते आपने क्या किया, द्विविद को आपने नाश किया, फिर आपने क्या किया बोले इंद्रजीत को आपने वध किया है। उस समय कहते भैया इंद्रजीत को मारना कोई साधारण बात नहीं था, बोले इंद्रजीत को कौन मार सकता है, कौन मार सकता है, बोले जो 14 साल तक खाया नहीं सोया नहीं स्त्री का मुंह नहीं देखा वही मार सकता है, लेकिन लक्ष्मण ने वो काम किया था, इसलिए उन्होंने इंद्रजीत को उन्होंने वध किया। फिर उन्होंने क्या किया, कहते उन्होंने श्री है कहते जो लोमहर्षण जो सूत है हैं? उन्होंने क्या किया, जिस समय बलदेव प्रभु भ्रमण करते करते नैमिषारण्य में पहुंचे उस समय में ये लोमहर्ण सरसुत वहां पर क्लास हरि कथ पुराण सुना रहे थे, जब पुराण सुना रहे थे जब श्री बलदेव प्रभु आए उनको तो देखा, लेकिन ये बलदेव प्रभु को देख करके ना बोले आए बैठ जाएंगे उसमें क्या हो गया है, आएंगे तो बैठ जाएंगे है, इसलिए उन्होंने बलदेव प्रभु का आदर नहीं दिया। बलदेव प्रभु ने देखा कहा है जो हमारी जो अखंड गुरु तत्व के जो मूल है, बलदेव प्रभु साक्षात यहाँ पर आए और यहाँ पर आदर नहीं दे करके ये पुराण पाठ कर रहे हैं, कहते इन्होंने भजन तो कर रहे हैं लेकिन कोई शुद्ध परंपरा में शुद्ध साधु से जुड़ करके ये भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये भक्ति नहीं कर रहे पुराण। इसलिए बलदेव प्रभु उठाया एक तृणिका, तृणिका में ही उनको गला को उन्होंने काट दिया, हाहाकार मच गया, बोले हम लोग पुराण कहाँ से सुनेंगे, बोले कोई चिंता मत करो, उसका छोटा बच्चा था जिसका नाम था उग्र सभासुत, बास उस सर पर हाथ रखते ही उनके हृदय में सारे वेद पुराण उपनिषद सब के सब स्फूर्ति हो गई और उनको बच्चे को बैठा दिया, आए बच्चा धड़ाधड़, बच्चा बलदेव का कृपा हो गया ना, ए धड़ाधड़ उनको सारे स्फूर्ति हुई, बड़े सुंदर उनने कथा सुनाई। इसलिए यहाँ पर भी शिक्षा देते हैं क्या है, देखो यहाँ पर एक शिक्षा देते हैं, जैसे हम कोई कथा कर रहे हैं है वह भजन कर रहे हैं हरिनाम कुछ कर रहे हैं, अगर हमसे कोई श्रेष्ठ अगर कोई वैष्णव आता है ना, कोई श्रेष्ठ वैष्णव अगर आते हैं क्या करनी चाहिए, उस समय में अपना पाठ को रख देनी चाहिए, वह हरिनाम भी कर रहे हो हरिनाम भी को रख देनी चाहिए, कुछ भी सेवा कर रहे हो क्या करो उस समय उसको रख लो, रख कर क्या करो, कोई श्रेष्ठ वैष्णव आ रहे हैं उनको सम्मान दो, उनको प्रणाम करो, यथा योग्य उनको आसन दे करके सम्मान करनी चाहिए। अगर कोई श्रेष्ठ वैष्णव आए बस अभिमान जैसे बैठ रहे हैं, जैसे श्री इंद्रदुम्न कहते जो इंद्रदुम्न राजा जिस समय अगस्त ऋषि आए वो सालग्राम की पूजा कर रहे थे, सालग्राम की पूजा कर रहे थे, कर रहे थे तो जब श्री अगस्त ऋषि आए बोला आए थोड़ी सालग्राम से थोड़ी ये बड़े है, ये हम भगवान की सेवा कर रहे हैं ना थोड़ी बड़े है, आए बैठ जाएंगे जब ठाकुर की सेवा पूजा हो जाएगा फिर इनको हम सम्मान दे देंगे। फिर अगस्त ऋषि को क्रोध आया, बोले हाथी जैसे मत वाला हाथी जैसे डोंट केयर करते करते ऐसे ऐसे चलता है हैं झूमते हुए, बोले तेरे स्वभाव हाथी जैसे तू हाथी बन जा, अभिशाप दे दिए, लेकिन पूजा कर रहे थे
सालग्राम को पूजा कर रहे थे, लेकिन साल भगवान रक्षा नहीं की। भगवान भी सिखा देते हैं, अगर मेरे कोई भक्त आए हैं, भले ही तुम मेरे भजन कर रहे हो, अगर मेरे भक्तों का अगर तुम आदर नहीं दोगे तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, हैं? मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण। भगवान कहते वैष्णव मेरे प्राण है, हैं? वैष्णव मेरे प्राण है, उनका हृदय में जब वैष्णव संतुष्ट हो जाते भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं प्रभु अपने हैं, अपने उनको भी बद किया और आपने क्या किया, हस्तिनापुर को उत्पाटन कर दिया है। अभी भी हस्तिनापुर को है, जिस समय लक्ष्मण को लेकर गड़बड़ी हुई, इस समय बलदेव प्रभु गए दोनों का अंदर में संधि करने के लिए, जब हमारे दुर्योधन ने उल्टा पुल्टा बोले बलदेव प्रभु कृष्ण को, बोले क्या, कृष्ण आ रहा था युद्ध करने के लिए, उनको शांत करके बोले आपस में हम परिवार में हम लोग मित्र लगते हैं, युद्ध नहीं करनी चाहिए, मैंने मीमांसा करने के लिए आए, अब तुम क्या कर रहे हो, पैर का जूती सर पर चढ़ रहा है, कृष्ण पैर का जूती तुम्हारी है, मैं पता नहीं मैं कौन हूँ। बलदेव पर उठाया हाल और पूरा बोले हस्तिनापुर को मैं पलटा दूंगा। उन्होंने भाल उठाकर मारे, सचमुच से जो हस्तिनापुर था पूरा के पूरा, अभी भी कहते हैं वो ऐसे टेढ़ी है, हस्तिनापुर टेढ़ी है। इसलिए बलदेव प्रभु का जो पराक्रम है, इसलिए देखो माधा क्या क्या बोल रहा है, कृपा हो जाए ना, जिसके ऊपर कृपा हो जाता है, कहते प्रभु आप पूरा के पूरा हस्तिनापुर को अपने एकदम उत्पाटन करके उखाड़ करके फेंकना चाहते थे, इसलिए प्रभु ऐसे जो है आप हो, लेकिन मैंने किया कि आपका सर पर मैंने प्रहार किया, जो भगवान से अभिन्न है, मैंने आपका सर पर मैंने प्रहार किया, अपराध किया है, इसलिए प्रभु मेरे अपराध माफ कर। देखो नित्यानंद प्रभु कितने दयालु, देखो क्या कहते हैं, कितना बढ़िया बात कहते हैं। जब माधाई ने इतने सब कुछ बोल दिया, नित्यानंद प्रभु का महिमा को खूब गाए, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले शिशु पुत्र मारिले की बापे दुख पाए, यही मत तुमार प्रहार मोर गाए। है क्या सुनने उदाहरण दिया है, कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा क्या करता है, पिताजी का गोद में खेलता है, कूदता है, दाढ़ी नोचता है, बाल खींचता है, कभी थप्पड़ मारता है, छोटा बच्चा करता है ना, बच्चे को पिताजी का गोद में बैठकर क्या क्या नटखट करता है बच्चा, पिताजी आनंद होता है ना, दुखी सुखी होता है, खुश होता है, हैं? बच्चे को गोद में लेकर खुश होते हैं, हैं? देखो मेरे बच्चा बड़ा हो गया, उसको मार भी पिताजी को आनंद लगता है, बच्चे हैं? बच्चा को आनंद लगता है, पिताजी को खुश होते, कहते प्रभु नित्यानंद बोले शिशु पुत्र मारी लेके बापे दुख पाए। इसलिए अगर कोई छोटा बच्चा अगर पिताजी को मारता है, इसको क्या दुख होता है, दुख नहीं होता, क्या होता है, बोलते हैं यही मत तुम्हार प्रहार मरोगा, तुमने जो प्रहार मेरे को किया ना, क्यों तत्व तो सब जीव तो उनका ही बच्चे है ना, हम सब भगवान के बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं आप तो तुम लोग तो मेरे बच्चे हो, इसलिए उनका दुख नहीं बल्कि उनका आनंद होता है। इतने में श्री नित्यानंद प्रभु ने माधाई को उन्होंने आलिंगन किया, इतने में माधाई ने बोला हे प्रभु आप बताओ मेरे अपराध कैसे जुड़ा, मैंने आपको तो प्रहार किया है और कितने लोगों को मैंने अत्याचार किया, कितने लोगों को पर मैंने पिटाई किया और क्या क्या आता है, अभी मेरे इतने अपराध जाएगा कैसे, आप कृपा करो आप बताओ। तब नित्यानंद प्रभु एक बढ़िया अच्छी बात बताई, तो देखो एक काम करो, तुम दोनों यहाँ पर घाट बनाओ, लोग गंगा स्नान करने आते हैं, गंगा स्नान में कीचड़ होता है, लेकिन अगर सुंदर घाट बना दोगे ना, है अच्छे सुंदर घाट बना दोगे, लोग अगर अच्छे तरह से आएंगे, स्नान करेंगे, वहाँ बैठेंगे, सब सब दुनिया बोलेगा भैया ये इतना सुंदर घाट किसने बनाया, भले जगाई माधाई, ये जगाई माधाई बनाए हैं। इसलिए जब लोग को सेवा करोगे अपने आप हृदय से वो आशीर्वाद देंगे, इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं ना हमें आशीर्वाद दे दो, हमें आशीर्वाद दे दो गुरुदेव वैष्णव लोग आशीर्वाद दे दो, इसलिए बोले कृपा कर दो, बोले कृपा, कृपा मतलब क्री मतलब करो, पा मतलब पाओगे, बिना के तभी मिलेगा, कृपा पहले करो फिर अपने आप मिलेगा, इसका आशीर्वाद नहीं मांगनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ऐसे सेवा करो जिसको देख करके वो हृदय से प्रसन्न होकर के हृदय से आशीर्वाद दे, अपने आप उनके मुंह से आशीर्वाद अपने आप निकल पड़े हैं। इसलिए उन्होंने पहले सेवा करो सबको और सेवा करो, और जगाई माधाई ने अभी भी वो जगाई माधाई घाट है नवद्वीप में, जगाई माधाई अभी भी वो घाट है, जगाई माधाई का घाट कहते हैं,
वहीं पर बैठ करके सुंदर घाट बनाते थे, जितने लोग आते थे उनका चरण पकड़ते थे, चरण धूल देते थे, सबसे क्षमा प्रार्थना मांगते थे, हमारे अपराध को क्षमा कर दो, अपराध को क्षमा कर दो। इतने में है, इसलिए कहते ज्ञाने बा अज्ञाने जत कैलु अपराध सकल क्षमिया मोरे करह प्रसाद। कले प्रभु, मैंने जान अनजान में जो कुछ अपराध किया है, अब क्या करो, हम सब कुछ क्षमा करके हमारे ऊपर में कृपा करो। अभी जब उन्होंने जगाई माधाई को महाप्रभु ने उद्धार किया, पूरा नवद्वीप ना ये बात फैल गया, बोले जगाई माधाई इतने दुष्ट, जिनको देख करके लोग डर जाते थे, जिस रास्ता में बैठे गए वो रास्ता बंद है, रास्ता बंद, दूर से लोग देखते थे क्या क्या कर रहे हैं, शराब पी करके वो इसको मार रहे हो, उसको मार रहे हो, उसको कर रहे हो, उनका नाम सुन करके नवद्वीप कांप उठता था, है इतने दुष्ट दुर्दश दुष्ट थे। लेकिन जब ये दोनों दुष्टों को उन्होंने महाप्रभु ने उद्धार किया, अभी नवद्वीप में ना इनका पूरा महिमा फैल गया है। इसलिए नित्यानंद प्रभु बोले ना, इनका महिमा कब जगत में, महिमा कब इनका होगा, महाप्रभु अच्छे लोगों का कल्याण किए, लेकिन जब को दुष्ट, इसलिए बोले देखो चैतन्य अरि से सब चैतन्य लीला पुष्टिकारी, जिनको महाप्रभु का शत्रु रूप में देखते हो भगवान का, वो शत्रु नहीं दूसरे तरफ में उनकी लीला को मदद करने वाले। जगाई माधाई के उद्धार किया तभी तो महाप्रभु का गुणगान गा रहे, इसलिए जतो देखो अरि जिनको आप शत्रु रूप में दर्शन करते हो, बोले से सब चैतन्य लीला पुष्टिकारी, महाप्रभु का लीला में ये पुष्ट करने वाले, मदद करने वाले, उनकी महिमा को। रावण नहीं होता तो राम का महिमा इतना होता, कंस नहीं होता तो राम कृष्ण का महिमा इतना होता, होता ही नहीं। इसलिए सारा दुनिया भी जगाई माधाई की है कीर्तन करते, जगाई माधाई को कैसे महाप्रभु कृपा किया, कैसे उनको उद्धार किया। इस और नवद्वीप में जो लोग है ना, महाप्रभु को बोले भैया ये निमाई साधारण नहीं, ये निमाई साधारण नहीं, इतने दुष्टों को भी जो कृपा कर सकते उनका हृदय बदला सकते हैं, हैं महाप्रभु का महिमा। इसलिए प्राकृत मानुष और नहीं निमाई पंडित, कहते जो निमाई पंडित है ना ये साधारण व्यक्ति नहीं, एबे से महिमा ता न हिल विदित, इसलिए कहते एबे से महिमा ता न हिल विदित, इसलिए कहते अभी निरंतर, इसलिए अभी भी जो उन्होंने घाट बनाया है, अद्याप चिन्ह आचे चैतन्य कृपाए माधाई र घाट बोले सर्वजन गाय, अभी भी है घाट का नाम है माधाई घाट, अभी भी वही घाट है जहाँ पर लोग जाकर स्नान करते हैं, कहती है माधाई ने ये घाट बनाया था। इसलिए ऐसे ही महाप्रभु दुष्ट से दुष्ट लोगों को भी कल्याण किया, और हम लोग इसलिए कृष्णदास कबीराज गोस्वामी क्या कहते हैं, जगाई माधाई है थे मुई से पापिष्ट, पुरी सर कीट है थे मुई से लगिष्ट, मोर नाम लय जय तार पाप है, मोर नाम सुने जय तार पुण्य कह, अरे एमन निर्घिन्न मोर केवा कृपा करे, एक नित्यानंद बिना जगत माझारी। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद पुर का महिमा गाते हैं, कहते जगाई माधाई से भी हम ज्यादा पापी है, और पुरी शहर मतलब बिष्टा के कीड़े से भी हम ज्यादा निकृष्ट है, मोर नाम लय जय तार पाप है, मोर नाम जो लेते हैं उसका पाप होता है, मेरे नाम सुने जय तार सारे पुण्य खत्म हो जाता है, इतने निर्घिन्न हम। लेकिन इतने पतित व्यक्ति को अगर कोई उद्धार करने वाले हो, एक नित्यानंद बिना जगत माझारी, एक नित्यानंद प्रभु को छोड़ के जगत में ऐसे कौन है व्यक्ति ऐसे पापी को उद्धार कर सकते, इसलिए हम लोग भी बड़े पापी है, इसलिए हम सबको परमेश्वरी नित्यानंद प्रभु महाप्रभु और गुरुवर्ग हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करें, हम भी एक दिन भगवान की भक्ति करते हुए इस जीवन को हम धन्य धन्य बना सके। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, बोले श्री गुरुवर्ग की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 धन 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 गौरांग ताई गौरांग जय ताई गौरांग ताई 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 गौरांग ताई 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 गौरांग जय ललिता जय शक्ति नंदन जय गौर हरि कपट दर जय गौर हरि जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा देवी जय सुदर्शन जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय जय राधा विनती हरि राधा विनती हरि जय गुरुदेव जय प्रभु
जय 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 राम धनवा की जय।